वहाँ पर वो मुझसे पेटियाँ उठवाते थे, झाड़ू में लगवाते थे, छोटे छोटे एरेंज रन करवाते थे, छोटे छोटे काम कराते थे, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आता था। हमेशा से मेरा एक फितरी सा उनसे कंपटीशन चल रहा था कि वो उन्होंने किया तो अब मुझे भी करना होगा। अब्बा के बहुत ज़्यादा लाडे थे, बहुत ज़्यादा। तो फिर इनके अब्बा ने उस ज़माने में, जबकि कंप्यूटर लोग जानते नहीं थे, बहुत महंगा कंप्यूटर दिलवाया था कि इसके शौक के मारे। रेहान वॉज ऑलवेज वेरी इंक्विजिटिव, वेरी हर चीज में सवाल घुसना, विच एज अ चाइल्ड इट्स इजी टू इवन गेट इरिटेटेड बाय। खुदा तक पहुंचने और उसे पाने के बहुत सारे रास्ते हैं। लोग अपनी पसंद के मुताबिक अपना रास्ता चुनते हैं ताकि उस तक पहुंच सकें, लेकिन इन्होंने खुदा ही का पसंदीदा तरीन रास्ता इस मकसद के लिए चुना है, और वो रास्ता है मखलूक से मोहब्बत का रास्ता। इस मोहब्बत के इजहार के लिए लोगों को उनकी पसंदीदा तरीन चीज तक रसाई में मदद फराहम करना इनका मकसद और इनका ओढ़ना बिछोना है। यही इनकी कहानी और यही मकसद हयात है। ये है रेहान अल्लावाला। कभी मैंने ये दुआ नहीं करी मेरा बेटा बड़ा आदमी बन जाए या अमीर बन जाए, बस यही थी अल्लाह मियाँ इनको नेक बना दें, यही दुआ करती थी मैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान नंबर वन कंट्री बनने वाला है फ्रीलांसिंग के अंदर, अब कौन है इसके पीछे? यही पागल। मुझे लगता है ऐसा है कि रेहान भाई की जो है चाहते हैं कि सब दुनिया में अच्छे हो जाए, सारे कोई दुनिया में बुरा इंसान बचे ही ना। The time, that's the moment when we start thinking, when we start to go deeper, and that's the place I believe he wants us to be creative. कभी कभी मेरी सास भी कहती है, मैं भी ये कहती हूँ कि मेरे मियाँ ना मोहम्मद बिन तुगलक हैं। टाइम से पहले उन्होंने कुछ चीज़ें नाफिज करी थी और लोग समझ नहीं पाए थे, ऐसी चीज़ें लाते हैं कि फिर उस वक्त तो लगता है ये कैसे, पर फिर वो होता है। लेकिन ये इतने बहादुर इंसान हैं, ये अल्लाह पे भरोसा करके लगे रहते हैं। रेहान अल्लाह वाला, जिसके साथ अल्लाह की एक मोहब्बत ताल्लुक है, अल्लाह का करम उस पर क्यों नहीं होगा? बगैर किसी अपने ज़ाती लालच के लोगों को कनेक्ट करवाते हैं, और वो जहाँ समझते हैं कि इस बंदे से हमारे लोगों को, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो उनको आगे करते हैं। और एक बात बताऊँ आपको, वली को या वली कामिल को खुद भी नहीं पता होता कि वो वली है। ये आने वाला जमाना फैसला करता है। रेहान अल्लावाला ने इखलास अहमद अल्लावाला के घर में 21 जून 1973 को आंख खोली। खानदान में पहले बच्चे की जो चाह और लाड प्यार किसी बच्चे को हासिल होती है, वो रेहान अल्लावाला के हिस्से में भी आई। बिरादरी के एतबार से रेहान अल्लावाला का ताल्लुक जमीयत पंजाबी सौदागरान से है। पंजाबी सौदागरान बिजनेस माइंडसेट कम्युनिटी है जो कयाम पाकिस्तान के पहले से मौजूद है। हर ख़ानदान की, हर बिरादरी की अलग रवायात होती हैं, तो हमारा ताल्लुक जमीयत पंजाबी सौदागरान से है, और हर उसमें अच्छाई बुराई भी होती है। हमारे कम्युनिटी की अच्छाई ये है कि माशाल्लाह लोग बहुत तहजीब याफ्ता, महजब सफाई पसंद होते हैं। मेरे जो बिरादरी है उसका नाम है जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये कहते हैं कि मोटरवे के ऊपर एक इंटरचेंज है, उसका नाम है भेरा पंजाब में, वो वहाँ से माइग्रेट करके दिल्ली गए, और वहाँ से जाने की वजह से वो दिल्ली पंजाबी सौदागरान कहलाने लगे। कारोबारी थे ज़्यादातर, जितने भी हमारे बिरादरी के लोग हैं वो
कारोबार करते हैं। और मेरे जो दादा थे उनका बनियान का कारखाना था, होजरी की उनकी फैक्ट्री थी, सुना है हमने दिल्ली में। और वो बहुत अर्ली 1900s के अंदर जाके जापान से मशीनें ला के उन्होंने वो फैक्ट्री लगाई थी। दिल्ली पंजाबी सौदागरान कम्युनिटी में बच्चों की तरबियत और कारोबार करने को बहुत अहमियत दी जाती है ताकि लोग बेहतर जिंदगी गुजार सकें। यही वजह थी कि रेहान अल्लावाला की तरबियत भी उन्हीं शियार पर की गई। जब मेरे हस्बैंड भी बड़े हुए थे या और भी जो यानी कि बड़े बड़े ख़ानदानों के बच्चे पहले जब बड़े होते थे तो उनको किसी के पास शागिर्दी में रखा जाता था, इसी तरह मेरे हस्बैंड भी गए थे और इसी तरह रेहान भी गए थे। यानी रेहान जब की छुट्टियां हुई तो इनके अब्बा ने इनको उनके ताया की दुकान पे भेज दिया और वो इतनी मेहनत करवाते थे कि पहले तो ये कि झाड़ू दिलवाई जाती है जो आता है बच्चा ताकि उसकी वो ना मर जाए, क्योंकि अपनी दुकान में तो नहीं करते ना बच्चे, दूसरे की दुकान में कर लेते हैं। फिर उसके बाद पेटियां उठवानी, अभी पोस्ट ऑफिस जाओ, अभी यहाँ जाओ, अभी वहाँ जाओ, मुस्तकिल काम कराना कि थक के रात को रोता था थक के कि मैं इतना थक गया, लेकिन उस वो चीज़ इनके बहुत काम आई वो मेहनत और वो सब चीज़। जब मैं 5 साल का था तो हर सैटरडे वाले दिन छुट्टी होया करती थी तो मैं अपने अब्बा के दुकान जाके बैठा करता था सुबह से लेके शाम तक। और मुझे उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं याद, सिर्फ एक दो चीज़ याद, एक दफ़ा मैंने अपनी उंगलियाँ बिजली में डाल दी थी तो मुझे करंट लग गया था, तो बहुत ज़ोर का शॉक लग गया था क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस था हर चीज़ को, जिस तरह बच्चे होते हैं क्यूरियस उस तरह मैंने अपनी उंगलियाँ भी बिजली में घुसा दी थी। उसके अलावा मैं अपने अब्बा की फैक्ट्री जाके बैठा करता था तो वहाँ पर मैं मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी देख कर के ये लोग क्यों गरीब हैं, ये हमारे साथ काम करते हैं, ये हमारे पार्टनर्स क्यों नहीं हैं, ये हमारे नौकर क्यों हैं, ये सवाल मुझे बचपन से मेरे दिमाग के अंदर है कि ये क्यों खामा खाए में हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो इनको हिस्सा भी ज़्यादा होना चाहिए। ये चीज़ें मुझे बहुत तंग करती थी। फिर जब मैं 10 साल का था तो जब स्कूल की छुट्टियां हुई तो मुझे मेरे ताया की दुकान के ऊपर छाड़ी लेन के अंदर मेरे रोड पे शागिर्दी के लिए भेज दिया गया। वहाँ पर वो मुझसे पेटियां उठवाते थे, झाड़ू में लगवाते थे, छोटे छोटे एरन्स रन करवाते थे, छोटे छोटे काम कराते थे, जिससे मुझे बहुत गु़स्सा आता था। मैं घर आके हर रोज़ रोता था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो सेठ बनना है बड़े होके, आप ये मुझसे तो नौकरों वाला काम करा रहे हैं सारा। तो वो जो ईगो थी मेरे अंदर उसको तोड़ने के लिए मेरे अब्बा ने मुझे वहाँ भेजा कि नहीं आप किस खुशी में सेठ हैं, आपने सब काम हाथ से करना है। मैंने अपने अब्बा को हमेशा हर काम अपने हाथ से करते हुए देखा है, तो झाड़ू लगाते हुए भी कभी शर्म नहीं आई, तो अब मुझे भी झाड़ू लगाते हुए कोई शर्म नहीं आती क्योंकि मेरे अब्बा को कभी शर्म नहीं आई तो मुझे किस बात की शर्म आई। तो इसको हमारे यहाँ पित्ता मारना कहते हैं और मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। उससे अगले साल हमारी एक और बख्शी कंपनी है, वहाँ पर मैं शागिर्दी के लिए गया। उससे अगले साल मैं अपने मामू की दुकान पर चश्मे की शागिर्दी के लिए गया। तो हर छुट्टियों में हमें शागिर्दी के लिए भेज दिया जाता था कि आपको डिफरेंट जगहों पर जाकर काम करना होता था, एज अ लेबर, एज अ छोटा, जो भी काम आपको बोला जाए आपने चुप करके करना होता है, आपको टाइम पर जाना है, टाइम पर आना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो बच्चों को हम नहीं देते और हम समझते हैं कि ये तालीम इम्पॉर्टेंट है। तालीम से ज़्यादा मेरे ख्याल में ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने कहीं पर जाके आपने काम किया और पत्ता मारा हो और आपको आपकी ईगो को हर्ट किया गया हो, जाके आप सारी ज़िंदगी फिर जो है वो सही रहते हैं। कहते हैं कि पोत के पांव पालने में ही नज़र आ जाते हैं, यानी किसी बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में जानना हो तो उसके बचपन के अतवार को देखो। रेहान अल्लावाला के बचपन में उनकी आदत और रवैयों के मुतालिक उनकी वालिदा बताती हैं। अल्लाह का शुक्र है, जाहिर है खानदान में इधर पहले थे तो प्यार भी मिला सबसे बहुत। जो आदत थी वो ये थी कि मुंह से मांगते नहीं थे कभी कोई चीज़, रोते रहते थे बहुत देर बाद मैं सोचती हूँ हो ये भूखे, कभी कोई चीज़ इस तरह नहीं करी कि किसी चीज़ के लिए ज़िद करी हो, रो के मांगी हो कि मुझे ये चाहिए कभी भी शायद मेरे ख्याल में नहीं करी।
और बहुत ही ज़्यादा भी हो तो अभी भी चुप हो जाते थे, जिससे पता चलता था कि हाँ भाई कोई परेशानी है, लेकिन कभी इस तरह की ज़िदें नहीं करी। दूसरी तरह की ज़िदें जो बच्चे करते हैं कि सताना, मुझे बहुत गुस्सा भी आ जाता था, कभी पिटाई भी कर देती थी कि बात नहीं मानना, वो अलग बात है। लेकिन ये कि कभी किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करी, जैसे भूख भी लग रही है तो उनको नहीं पता कि मुझे भूख लग रही है कि मैं खाना मांग लूँ, नहीं, बस रोना शुरू हो जाता था। रेहान लवाला बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं, इसी वजह से खानदान में सबके लाडले और अपने वालिद इखलास अल्लाह वाला के करीब भी हैं। इसी कुर्बत को उनके छोटे भाई इरफान अल्लाह वाला कुछ इस तरह याद करते हैं। अच्छा, रेहान भाई हमारे अब्बा के बड़े फेवरेट थे, तो हमारे अब्बा ने हमेशा से मुझको, यानी मुझे हसद होती थी, जलन होती थी कि हर चीज़ में वो रेहान को आगे रखते हैं, और वो उनको भी मज़ा आता था। तो यानी उन्होंने जब दुकान भी खोली, अपनी दुकान का नाम चेंज किया, नए नाम से किया, तो उसका नाम था रेहान पेपर मार्ट। तो एवरीथिंग जो है ना, वो हमेशा से मेरा एक फितरी सा उनसे कॉम्पिटिशन चलता था कि वो उन्होंने किया तो अब मुझे भी करना होगा। मेरी रेहान अहमद अल्लाह वाला साहब से पहली मुलाकात जब हुई थी, जब उन्होंने हैप्पी होम स्कूल ज्वाइन किया था, वो शायद उससे पहले सिटी स्कूल में पढ़ते थे, और इत्तेफाक से जब वो आए तो हमारी क्लास में आए थे। उस वक्त रेहान अहमद अल्लाह वाला साहब से सिर्फ एक सरसरी मुलाकात, जिस स्कूल में लोगों की आमतौर पर होती है, वैसी थी कि स्कूल टाइम में मिले चले गए। रेहान साहब शुरू से ही बड़े प्रोफेशनल इंसान थे, तो हम बचपन में, हमारे लिए समझना ज़रा मुश्किल था, तो उनसे इतनी फ्रीक्वेंसी मेरी नहीं होती थी। मेरे एक और दोस्त थे सलमान साहब, तो उनका रेहान का घर आना जाना होता था, और इत्तेफाक से वो मेरे पड़ोस में, यानी हम दोनों एक स्ट्रीट पर रहते थे। फिर जिस ज़माने में कंप्यूटर्स आए, तो सबसे पहले एप्पल ही आया था, और तो एप्पल हम अपनी, एक और हमारी खाला हैं, उनके बेटे थे, उनके पास जाते थे, तो उनके पास कंप्यूटर होता था। मेरे ख्याल वो कंप्यूटर उस ज़माने में पूरे कराची में 50 लोगों के पास होगा, तो हम उन लोगों में से थे जिनको वो कंप्यूटर की एक्सेस थी, वो जाके देखते थे। तो रेहान भाई को बहुत मज़ा आता था, तो वो उनके साथ खासा टाइम स्पेंड करते थे ताकि वो कंप्यूटर चला सकें। और फिर हमारे अब्बा की भी हिम्मत थी कि उन्होंने उनको IBM जो है ना, वो का ओरिजिनल कंप्यूटर उस वक्त लेके दिया। मैं गलत नहीं हूँ तो उस वक्त कंप्यूटर था 1984-85 की बात है, 50,000 रुपये का। तो 50,000 रुपये में शायद उस ज़माने में फेज 8 का 1,000 गज का प्लॉट आता था, और वो 50,000 रुपये का कंप्यूटर उनको लेके दिया अब्बा ने, क्योंकि हमारे कज़न के पास था। मगर अब्बा भी इस मामले में मेरे बहुत दलेर थे कि अच्छा ठीक है, रेहान को चाहिए और उसको चाहिए तो करना है, तो चलो जाओ। इखलास अल्लाह वाला की ख्वाहिश थी कि रेहान उनके साथ कारोबार की तरफ भी माइल हों, लेकिन रेहान अल्लाह वाला यकसानियत से आजिज थे और रोज़ाना एक ही जैसे सवालात और उनके जवाबात से उकता जाते। उनकी इस कैफियत को उनकी वालदा ने भांपा और उन्हें घर के करीबी कंप्यूटर सेंटर में एडमिशन दिला दिया। वालिद साहब का काम जो था वो कागज़ बेचने का था होलसेल में, तो उनके पास टोटल 5 से 10 कस्टमर होते थे, उनसे रोज़ वही मुलाकात करनी होती थी, वही बार्गेनिंग करनी होती थी, वही चीज़ें बेचनी होती थी, वही टर वो आके कंप्लेन करते थे कि पहले हमें उधार दें, मैं कहता था उधार नहीं दे सकते। तो बहुत बोरिंग काम था, एक ही जैसी चीज़ रोज़ करनी होती थी, तो मैं उससे, मुझे मज़ा नहीं आता था उसमें काम करने में। असल में जब बच्चे लड़के बोर हो जाते हैं ना, अब बहुत सारे बहन भाई तो थे नहीं, एक ही भाई माशाल्लाह इरफान और है, तो ज़ाहिर है वो उसकी अपनी मसरूफियात, हर एक की अपनी पसंद होती, तो ये बहुत बोर होते थे हर वक्त, ये था मैं बोर हो रहा हूँ। बस एक दिन मैं परेशान होकर यहाँ पे ABC के नाम से था हैदराबाद में, कंप्यूटर की क्लासेस होती थी, वहाँ ले गए कि अच्छा चलो तुम ये कर लो। तो वो फिर उनका माशाल्लाह उसमें वसल्लमिया ने वो शौक दिया, तो वो कर लिया। और फिर वही बात कि कभी पीछे नहीं पड़ते थे, लेकिन अब्बा के बहुत ज़्यादा लाडे थे, बहुत ज़्यादा। तो फिर इनके अब्बा ने उस ज़माने में
जबकि कंप्यूटर लोग जानते नहीं थे, बहुत महंगा कंप्यूटर दिलवाया था कि इसके शौक के मारे। लेकिन वो शौक़ इतना बड़ा कि फिर अब्बा चिढ़ गए, क्योंकि अब्बा चाहते थे कि दुकान जाए उनके साथ और उनके साथ बिजनेस करें, लेकिन उनके दिमाग में तो अब ये टेक्नोलॉजी भर गई थी। उन्होंने मुझे कंप्यूटर्स दिलाया बहुत कम उम्र के अंदर, 12 साल की उम्र में, और उस साल मैं 7वीं में फ़ेल हो गया था। मैंने क्लास रिपीट की थी और लेकिन मुझे कंप्यूटर मिला था उसी साल के, फेल होने के बावजूद भी मुझे कंप्यूटर मिल गया था। तो मैं हैरान था, लेकिन बहरहाल मैं उसको एंजॉय करता था, सारा दिन कंप्यूटर पे बैठा रहता था, प्रोग्रामिंग सीखने की कोशिश करता था, गेम बनाने की कोशिश करता था, बस कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था। और सुबह से लेकर रात तक स्कूल से आने के बाद मेरा एक ही शौक मशगला था कि मैंने कंप्यूटर के साथ टाइम गुजारना। 1990 में जब हमारा मैट्रिक का एग्ज़ाम हो गया, तब मैं कुछ फारग था, मेरे पास साइकिल हुआ करती थी। आई वॉज लिविंग एट बादराबाद और रेहान साहब इसी जगह सामने रहा करते थे, तो मैं उनसे मुलाकात करने आया और मैंने उनसे कहा कि जी मुझे कंप्यूटर्स के बारे में कुछ सीखना है। तो वाइल नोइंग माई नेचर, रेहान साहब को ये लगा कि शायद यू नो इज़ नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ गाय जिससे रेहान साहब करें, तो खैर मैं उनके पीछे पड़ा रहा एंड देन द जर्नी स्टार्टेड। इसे टेक्नोलॉजी की सहरंगेजी कहें या रेहान अल्लावाला का शगफ कि स्कूल से फरागत के बाद रेहान अल्लावाला अपना वक्त कमोडोर 64 और गेम डेवलपमेंट की तरफ दे रहे थे। इसके लिए उन्होंने अपने घर के ग्राउंड फ्लोर को इस मकसद के लिए मुंतखब कर लिया था, जिसमें उन्होंने अपना एक दफ्तर भी खोल लिया था। मेरे ख्याल में जाहिर है इसमें इंटरेस्ट हो चुका था इस काम में, और वो बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि नीचे हमारा घर खाली था, ऑफिस बना लिया। ज़ाहिर उस ज़माने में जो चीज़ें होती थी वो इतनी छोटी उम्र में माशाल्लाह ऑफिस बना लिया, और उस ज़माने में गेम्स और कॉमोडोर होता था, क्या क्या होता था, बस यही सब करते थे। उस ज़माने में उन्होंने रिकंडीशन कमोडोर कंप्यूटर बनाया, अगर आप में से किसी ने वो कहानी सुनी हो तो। रेहान साहब के घर का नीचे का पूरा हिस्सा कमोडोर कंप्यूटर से भरा हुआ था और बाइंग बहुत थी और सेलिंग ही थी नहीं, या बस सिर्फ लेके हम उसको ठीक करके भरे चले जा रहे थे, उसको कलर करना, उसकी रीब्रांडिंग करना। रेहान साहब उस ज़माने में चाहते थे कि इसके लिए स्कूल टाइप बैग बने, वो बैग बना था। हम उसमें मेरा ख्याल है कुछ सॉफ्टवेयर उस ज़माने में टेप बैकअप आता था वो दिया करते थे फ्री, और 6 महीने की वारंटी देते थे। ये मुनव्वर इखलास की तरबियत का खासा था कि रेहान अल्लावाला को बचपन से ही पाकिस्तान से मोहब्बत थी। यही वजह थी कि रेहान अल्लावाला के दिल में ये जस्तजू और तड़प थी कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया जाए। मेरे दिमाग में बचपन से मेरी माँ ने नेशनलिज्म बहुत डाला हुआ था, तो मैं कहानियाँ पढ़ता था और सुनता था कि जी इजादात होती हैं, दुनिया में चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में बनी हुई कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मुझे नज़र नहीं आती थी कि मेड इन पाकिस्तान किसी चीज़ पर लिखा हो। तो मुझे जुनून था पाकिस्तानियत का, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेड इन पाकिस्तान चीज़ों पे लिखा हुआ होना चाहिए। तो उस मेड इन पाकिस्तान लिखने के लिए मुझको किसी ने आइडिया दिया कि तुम ये कॉमोडोर 64 की एसेसरीज़ बना सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बना सकते हो। तो मैं, मेरे जो दोस्त थे वो मुझसे 10-15 साल बड़े थे, इंजीनियर्स थे, मैंने उनसे ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा तो बन जाएगा, कोई मसला नहीं, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। बोल तो दिया उन्होंने, लेकिन करना सारा मुझी को पड़ा एंड ऑफ द डे। तो मैं भागता रहा, दौड़ता रहा, 1-2 साल की मशक्क़त के बाद पहली दफ़ा मेरी एक कॉमोडोर 64 की मैंने एक एसेसरी बनाई जिसमें आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती थी। आज तो मामूली सी बात लगती है कि जी आप फ़ोन उठाते हैं आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उस वक्त 3 लफ्ज़ रिकॉर्ड करने के लिए एक पूरी डिवाइस लगानी पड़ती थी। खैर वो एसेसरी डिज़ाइन हो गई, बन गई, फिर मैं भागता रहा कि प्लास्टिक की डाई बनानी है, 6 महीने तक मैं उसमें परेशान रहा, वो नहीं बनती थी, बहुत महंगी बनती थी। रेहान जैसे कि सब जानते हैं इज़ मोर इनटू कंप्यूटर्स, तो उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला, और स्पेशली जब वी वर इन क्लास 6, वी आर टुगेदर आई थिंक उस वक्त से साथ हैं,
तो हम कॉमोडोर 64 एक कंप्यूटर था उस ज़माने में नया नया, उसके ऊपर रेहान के पास एक गेम्स की लाइब्रेरी थी, इसी तरह से वो लाइब्रेरी उन्होंने मुझसे शेयर की और अंडर नेम ऑफ पाकिस्तान कंप्यूटर्स उस वक्त रेहान काम करते थे। फिर वो उनको ना कॉमोडोर 64 भी ले लिया उन्होंने, हालांकि कॉमोडोर उससे कम स्पेक्स का था लेकिन वो गेमिंग कंप्यूटर कॉमोडोर 64 ज़्यादा मशहूर था। तो फिर कॉमोडोर जब उन्होंने ले लिया और कॉमोडोर पे काम करना शुरू किया, इस दौरान फिर उनको किसी ने उन्होंने आइडिया दिया उनको कि यार तुम ऐसा करते हैं कि पुराने कॉमोडोर ज़्यादा आ गए हैं और अब लोग नए वर्जन ले रहे हैं, या पुराने कहीं से कॉमोडोर आते थे लोग इम्पोर्ट करते थे, वॉट एवर थिंग वॉज, के उन्होंने रीफर्बिश करके बेचने शुरू कर दिए। तो नीचे जो हमारा कमरा है उसमें वो कॉमोडोर धुल रहे होते थे बाकायदा, धोते, फिर सोल्डरिंग का काम, सोल्डरिंग कर कंपनी करके भी उन्होंने एक अपना एक सेटअप बनाया 17-18 साल की उम्र में। तो वो उसको वो वेल्ड करा करूँ के फिर रीफर्बिश करके बेचना शुरू किया। जब हम कॉमोडोर कंप्यूटर आए तो हम खुद जिसके स्क्रैचेस लगे थे तो खुद ही रंग किया करते थे, मैं, रेहान साहब, हमारे साथ खालिद साहब हुआ करते थे, उस जमाने में तीन ही लोग हुआ करते थे, खुद ही टेप बैकअप वो क्या करते थे, उन्होंने टेक अप बैकअप बनाया था, एक और बनाई थी डॉल्फिन डॉस की शायद वो आई थिंक वो कुछ बैकअप के लिए उन्होंने बनाया था, कुछ स्पीड के लिए, कुछ तीन चार चीज़ें उन्होंने इनोवेट की हुई थी। तो फिर ये इरादा हुआ कि हम सेल्स करेंगे और वो चलती चली गई एंड अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड के वो 6 महीने में रेहान साहब के घर में जितने कमोडोर कंप्यूटर्स रखे थे वो हमने सारे बेच लिए थे, एंड इन फैक्ट इतने थे कि एट दैट टाइम इट डजंट लुक पॉसिबल कि दैट वी कैन डू इट। संडे को डॉन में ऐड दिया करते थे और हम दोनों सॉफ्टवेयर सेल करते थे, यूजली वी वर किड्स तो गेम्स ही होते थे मोस्टली, वो करते थे। उसके बाद रेहान में फर्दर इंटरेस्ट आता है और रेहान कॉमोडोर 64 की कार्ट्रेज होती है वो स्पीड अप करती है कंप्यूटर को और उसके ऊपर काफ़ी काम करते हैं, तो ही मूव टूवर्ड्स हार्डवेयर, इंटरेस्ट हार्डवेयर में भी था। हमने कोई 6-7 फ्रेंचाइज बना, मतलब लोगों को बना लिया था, उनके पास रखते थे, बैठे बैठे हमने उनके लिए कैटेगरीज बना ली थी, एंड देन आई वॉज कम्प्लीटली ऑन द साइड ऑफ सेल्स और रेहान साहब ये क्या करते थे, इनफैक्ट इफ आई नॉट रॉन्ग 8-10 महीने बाद ऐसा सीजन आया कि हमारे पास ऑर्डर था और देने के लिए कुछ नहीं था, और आपने रेहान साहब का घर देखा कितना बड़ा है, तो वो पूरा घर नीचे का हिस्सा सिर्फ आप समझ लें रिकंडीशन कॉमोडोर कंप्यूटर से भरा था। रेहान के साथ मेरी इसलिए अंडरस्टैंडिंग शायद ज़्यादा हुई क्योंकि ऐसा था ऑफ होता था तो क्योंकि वॉक करके चले जाते थे क्योंकि पीछे था रेहान के घर के स्कूल, और वो रेहान को क्योंकि कुछ कंप्यूटर में दिलचस्पी होती थी तो नीचे वाला जो उसका घर था वैसा लगता था कि सिर्फ कंप्यूटर से ही भरा हुआ है, क्योंकि वह आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें बढ़ना शुरू हुई। तो ज़्यादा रेहान को क्योंकि कंप्यूटर कमोडोर जो ज़माने में आए थे तो उसमें था, तो फिर मेरा जो कज़न आसिम है उसको भी कुछ वो था तो वो कर रहा था तो उसको बताता रहता तुम ये करो ये करो। हम लोग, मुझे याद है रेहान मेरे घर W19 में आते थे और मैं भी उनके घर, ऐसे ही W19 एक हमारा मीडियम था जिसमें हम ट्रैवल करते थे एक दूसरे के घर, और बड़े मुख्तलिफ अवकात में हम लोग ट्रैवल करते थे एक दूसरे के पास। काम में कभी हमें कोई इस तरह की कोई मसले तो कोई भी नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हम दोनों इंडिपेंडेंट थे, नाम एक यूज़ कर रहे थे, बल्कि नाम भी मेरा पाकिस्तान कंप्यूटर 2 कहलाता था, पाकिस्तान कंप्यूटर्स थे। रेहान साहब से तो मुलाकात ऑब्वियसली बिकॉज ही इज़ फैमिली, तो हमने तो शायद इनको पैदाइशी 3 महीने का भी देखा हुआ होगा मगर मुझे तो याद नहीं है। ये वो आदमी है जो मैं ऑब्वियसली बच्चा ही, रेहान वॉज ऑलवेज वेरी इंक्विजिटिव, वेरी हर चीज़ में यू नो सवाल घुसना, विच एज अ चाइल्ड इट्स ईजी टू इवन गेट इरीटेटेड बाय। मैं भी उस वक्त 8-9 साल का बच्चा था तो मुझे ये तक याद है कि उस उम्र में मैंने उनको धुतकारा भी था, मारा भी, कुछ याद है कुछ चूहो भी हुआ था, हाँ हाँ इतना तक हुआ था। इतना रेहान वो है माशाल्लाह निडर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ईगोज। This is something that I learned from Rehan. Everybody has egos. We are all trying to manage our own egos. Rehan, I think, was able to understand to not let the
his ego take over his purpose. मेरे ख्याल में वो टीनेजर थे और आई डोंट नो मेरे उनसे क्या एज डिफरेंस है बट वी आर ऑल्सो वेरी यंग. तो मेरे कज़न को उनके वाले साहब ने जो आरामको में जॉब करते थे तो अटारी या कमोडोर कंप्यूटर भेजा था तो उसके गेम जो थे बहुत कम मिलते थे. तो ये रेहान मियाँ भी ज़माने में उसके अंदर थे. मुझे याद जब मैंने पहली बार से मिला तो बिल्कुल दुबले पतले एक टीनेजर बॉय से मिला था मैं और उन्होंने कहा हमको कुछ गेम दिया था 25-30 रुपए की ट्रांजैक्शन थी वो करके हम आ गए. एक दो बार और गया मैं अपने कज़न के साथ कोई गेम्स वगैरह लेने के लिए या कुछ और काम के लिए. तो यहाँ समझिए आप पहली मुलाकात थी कि मुझे वेगली रिमेंबर है लेकिन ये कैटेगोरिकली रिमेंबर है कि मैं इनसे एक हम इनसे एक वीडियो गेम लेने गए थे. उस दौरान रेहान साहब ने एक आइडिया था एक गेम आता था जिसका हमने कंपटीशन कराया था. अच्छा मुझे इतना आइडिया बिल्कुल भी नहीं था तो मैं बेवकूफ़ियाँ करता रहता था. उन्होंने मुझे कहा इसका एक बैनर बनाओ ये करो वो करो तो मेन तारिक रोड के बजाय मैंने गली में लगा दिया तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं आया. खैर बहुत कम लोग आए. खैर वो जो कुछ भी आए उस ज़माने में हमें नहीं पता था कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि लोगों को गैदर करना है यहाँ लाना है जगह दिखानी है इसको आप कह लें कि जी ये लोगों को इनवाइट करना है एक पुश स्ट्रेटजी ऐसी हमें कुछ आइडिया था नहीं. शायद रेहान साहब को मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था तो खैर मुझे समझ भी नहीं आता था इतना तो आई वॉज लर्निंग एवरीथिंग फ्रॉम हिम. रेहान भाई से मेरी सबसे पहली मुलाकात जो है वो 89 या 90 में हुई थी और उनकी एक कंप्यूटर की वर्कशॉप थी तारिक रोड पे तो फर्स्ट फ्लोर पे. तो मैं उनके कज़न जो हैं वो बाबर हमीद उनके साथ वहाँ पे गया था. तो रेहान भाई जो है उस वक्त मुझे याद पड़ता है कि कुछ कंप्यूटर एयर कमोडोर होता था उस वक्त तो उसको खुले हुए थे और उसमें कुछ काम कर रहे थे. तो उसने मुझे कहा करने कि ज़्यादा बातें ना करना बहुत गुस्से वाले हैं ना. तो वो एक जो है ना वो एक डर उनके बारे में जो है ना वो थोड़ा सा बैठ गया था कि भाई गुस्से वाले हैं ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए उनसे. तो ये जो है वो तल्ख है थोड़ी सी बात मगर ये है कि पहली मुलाकात जो है वो 89-90 में हुई थी. ये आदमी जो ना इंजीनियर ना पता नहीं 8वीं 10वीं में थे किस कौन सी जमात में थे क्या थे उन्होंने उस टाइम पे इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली कोई बोर्ड डिज़ाइन किया था रेहान तो छापा ही था कोई बोर्ड याद है कहीं से लेके कोई बंदा मिला. अच्छा बोर्ड डिज़ाइन लाइक हम तो हैरान एंड दिस इज़ नॉट रेहान अल्लाह वाला. स्टीव जॉब्स डिड दिस इन द 70s. एप्पल दे डिड नो डिडली कुछ नहीं आता था किसी के पास गए जब माल बेचा था बेचने के लिए कुछ भी नहीं था वो एक ढांचा बना के सामने खड़ा कर दिया कि ऑर्डर ले लो. सो दिस थिंग ही डिड स्टीव ठीक है आई एम नॉट कंपेयरिंग रेहान टू हिम आई मीन आई एम अ लिटिल बट इट्स द आइडिया ऑफ हैविंग द फियरलेसनेस इज समथिंग रेहान हैड एंड दिस इज समथिंग आई हैव एक्चुअली ओल्डर देन हिम मोर एक्सपीरियंस एवरीथिंग आई हैड देन हिम बट आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय हिम. रेहान लवाला ने इसी पर बस नहीं किया. टेक्नोलॉजी की फील्ड में इनोवेशन का सफर तो अभी शुरू हुआ था. उस जमाने में इंटरनेट आम नहीं था और इंटरनेट को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था लेकिन रेहान अल्लावाला इस इनकलाबी तखलीक से बहुत जल्द ही रोशनास होने वाले थे. इन्होंने ब्रेन नेट के साथ काम शुरू किया तो ये अखबारों में आते रहे इनके बारे में आपको पढ़ने को मिल जाया था. I was amazed at how generous he was with his knowledge and time to answer the students' many questions by email and so forth. मैंने इनके अलावा कभी सोचा भी नहीं था कि इसे और से शादी करेंगे और अल्लाह मैंने इनसे शादी भी करा दी. तो कभी कभी मेरी सास भी कहती है मैं भी यही कहती हूँ कि मेरे मियाँ ना मोहम्मद बिन तुगलक है. हिस्ट्री में पढ़ा है कभी उनके बारे में कि वो टाइम से पहले उन्होंने कुछ चीज़ें नाफिज करी थी और लोग समझ नहीं पाए थे. इसी तरह ये पाकिस्तान के मोहम्मद बिन तुगलक हैं.